डॉक्टर साहब पंडिता और ये कौन थे हमारे देश के, और ये थोड़ा स्क्रीन अजीब सा लग रहा है। ये हमारे पठन पाठन का जो क्रम था, हमारे देश में कोई नया नहीं। अगर हम पहला ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ लेके चलेंगे वेदों से, तो पठन पाठन का जो कार्य है वो तो चिरादी काल से चलता आ रहा है। इसमें कोई दो राय या कोई संशय वाली बात बिल्कुल नहीं है। यद्यपि हमारे यहाँ पे बहुत सटीक परिभाषा भी मिलता है कि हमारे अध्यापक कौन है, गुरु कौन है या शिक्षक कौन है। शिक्षक और हमारे सभ्यता में गुरु का एक अलग पद्धति है, शिक्षक का एक अलग परिभाषा और पद्धति है, और अध्यापक का भी अलग है। कभी आपके व्हाट्सएप में फॉर्मेट भी मिला होगा, 8 प्रकारों का उसमें वर्णन किया जाता है। और क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, तो मुझे शिक्षक का एक परिभाषा अपने एक प्राचीन ग्रंथ जो कालिदास का माधवी गांधी मित्र उसमें से मिला, उसका मैंने परिभाषा आपको दे रखा है यहाँ पे, और उसका श्लोक भी है, शिष्टा क्रिया तस्य विलाप संस्था संक्रांतिरण्यस्य विशेषयुक्ता यस्यो भयं साधुस्य शिक्षकाणां पुरित प्रतिष्ठा भवितत्व एव। हम से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान का रजत तो कर लेते हैं, लेकिन उसको सटीक रूप से दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता नहीं है। यदि भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात चाल हो रही इतनी अधिक होती है कि वो दूसरों से सरलता से बात तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का एक आभास रहता है। वो आप चातुर्गीता होने के पश्चात भी वो ज्ञान का आभास प्रकट आता है। शिक्षक और अच्छा शिक्षक ऐसा वह है जिसके अंदर ना ही दोनों क्षमताएं बराबर है, वो ना केवल ज्ञान का अर्जन करने में सक्षम है, अभी तो उसको दूसरों तक सटीक रूप से सरल और सरलता रूप से दूसरों तक पहुंचाने में भी वो क्षमता रहता है। ऐसा अच्छे शिक्षक का हमारे यहाँ पे परिभाषा देखने को मिलता है। और कालिदास का कोई अमूमन काल गणना कर पाएगा यहाँ पे किस शताब्दी के हैं वो आप बताइए, कालिदास का काल अवस्था क्या है, ईसा पूर्व किस साल में कालिदास जी को हम याद करते हैं, उनका उद्भव कब हुआ कालिदास का, जैसे गांधी का बोलेंगे तो हमें मालूम है 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, उस तरह से कालिदास का आज से कितने साल पुराने थे, कोई गेस करो, आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, कोई भी नहीं है। कुछ अनुमान लगाओ कि इस शताब्दी के रहे होंगे कालिदास, अब बोलिए, ये अध्यापकों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए। आप बच्चों को बता सकती हैं, मुझे आश्चर्य वाली बात है क्योंकि और इससे ज्यादा आश्चर्य करने की बात नहीं है कि आज मैं जो मैंने विषय चुना है उसका एक मुझे पृष्ठभूमि मैंने तैयार किया। कालिदास भारतीय थे इसमें कोई संदेह तो नहीं है, वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, कालिदास भारतीय थे इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, है कि नहीं। लेकिन हमारे अंदर अपने ही अतीत के बारे में, अपने ही इतिहास के बारे में इतनी कम जानकारी क्यों है? क्या हम सभी स्कूल में इतिहास नहीं पढ़े थे?
कुछ रटे भी होंगे बिना दिल के उसको कुछ, लेकिन कभी ना कभी कुछ तो हमें पढ़ाया गया होगा। लेकिन ऐसा क्या पढ़ाया गया था कि हमको हमारे ही इतिहास के बारे में, हमारे ही धरोहर और हमारी जो पूंजियाँ धरोहर की जो वरदान है हमारे, वही हम तक नहीं पहुंच पाया। उससे ये कारण है हमारे इतिहास के जो पाठ्यक्रम में लिखी गई पुस्तिकाएं, और मुख्यतः मैं एनसीईआरटी का ही किताब को लेकर के अपने स्टॉक का केंद्र बनाया हूँ, और अमूमन ये दूसरे राज्य की जो किताबें हैं उनसे ज़्यादा भिन्न नहीं। आज हम 2022 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में हैं, लेकिन इससे पहले जो पुस्तकों का संशोधन हुआ था, पुस्तकों में जो परिवर्तन लाई गई थी, आज से लगभग 2005 से 2007 में वो प्रक्रिया चली। प्रत्यक्ष शायद आप लोग प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे, छात्र यहाँ कॉलेज में, तो 2005 से 2007 में जो ये प्रक्रिया चली कि हम अपनी किताबों को संशोधित करें और संशोधित किताबों को हम बच्चों को पढ़ाएं, तो ये था वो प्रक्रिया। और मुख्यतः इतिहास जो सोशल साइंस के अंतर्गत आता है उसका कार्यभार संभाल रहे थे एक श्रीमान निराद्री भट्टाचार्य, और वो इस सदस्य के मुख्य सदस्य थे जिनके नेतृत्व में इतिहास के पाठ्य पुस्तकों का संशोधन चल रहा था। अभी कौन है? ये है प्रोफेसर सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। अब JNU का नाम सुनने हमारे कान पर खड़े होंगे क्योंकि वो अभी प्रख्यात विश्वविद्यालय है, और अपने अकादमिक और नॉन अकेडमिक कार्य की वजह से भी JNU बहुत ही अपने एक प्रख्यात विश्वविद्यालय। और जहाँ बात आती है विषय जैसे इतिहास की या समाज विज्ञान की या इवन पॉलिटिकल साइंस की, तो JNU का ही कंट्री में तरह से परचम चलता है। तो संभवतः JNU का ही प्रोफेसर इस मुख्य कार्य का नेतृत्व करता है, और उसका लक्ष्य क्या है, खुद अपने इस संशोधन क्रिया का लक्ष्य वो बेहिचक 2005 से 7 तक चला, 2009 में एक जर्नल में छापते हैं कि उनका ये टेक्स्टबुक राइटिंग का लक्ष्य क्या था। रिसर्च आर्टिकल का नाम है टीचिंग हिस्ट्री इन स्कूल्स द पॉलिटिक्स ऑफ टेक्स्टबुक्स इन इंडिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई रहस्यमय गोपनीय काम उन्होंने नहीं किया कि एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे एक कमेटी तो बन गया है, लेकिन अब इसके अंतर्गत जो कार्य हो रहा है पुस्तकों के संशोधन का कार्य, उसपे कोई गोपनीयता नहीं, वो खुल करके समाज को बता रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था जिसके अंतर्गत हमने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों को परिवर्तित किया। क्या था उनका लक्ष्य? खैर ये बहुत ही लंबा पेपर है, मैं सारा पेपर को प्रेजेंट तो नहीं कर रहा हूँ, उसमें से अमुक विषय जो आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ उन्हीं को मैं ले रहा हूँ। वो विभाजित करते हैं इतिहासकारों को दो भागों में, एक जो दक्षिण भारत राइट विंग जो कि हमारे भारत के लागू नहीं होता है, और दूसरा है एक वामपंथ लेफ्ट विंग। वो बोलते हैं कि क्वेश्चन वाज बिल्ट व्हाट बिल्ट ईच ऑफ दीज पीरियड्स अपॉन फॉर द हिंदू राइट। वो दक्षिण पंथ के इतिहासकारों को हिंदू का एक दर्जा देते हैं, बोलते हैं कि जितने भी भारत में हैं महान कार्य हुए हैं, इन हिंदू दक्षिण पंथ के इतिहासकारों के मत के मुताबिक वो सारे हिंदू राजाओं के काल के अंतर्गत ही हुआ था, और जितनी भी क्षति आई है अपने सभ्यता में वो मुस्लिमों के आक्रांताओं द्वारा। तो उनका ये कहना है कि हमने जब 2005 से 7 में किताब को परिवर्तित करने का कार्य दिया, तो इस मत को खंडित करने का ही हमारा एक प्रधान लक्ष्य था। ये मेरा कहना नहीं, उन्हीं का कहना है।
if the Hindu right represented Muslim rulers as intolerant, oppressive, bigoted, and cruel, the secular textbooks showed that they were open-minded, tolerant, that they were patrons of Hindu shrines and arts, and they nurtured a syncretic culture. अर्थात एक समूह इतिहासकारों का ऐसा है जो मानता है कि जो मुस्लिम आक्रांताएं हमारे भारत में आए तो वो असहिष्णु थे और उन्होंने हमारे मंदिरों का ध्वस्त किया, वो उन्होंने अत्याचार किया और हमारी सभ्यता को भारी मात्रा में हानि पहुंचाया और वो क्रूर भी। लेकिन नीलगिरी भट्टाचार्य का ये कहना था कि ये एक मत है। अब बात आ जाती है विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों के आधारभूत अंतर के बीच। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको हम प्रत्यक्ष देख तो नहीं पाएंगे, जो आर्कियोलॉजी जैसे विषय है उनके पुरातत्व उनके द्वारा दिए गए प्रमाण से एक निर्माण किया हुआ अतीत का एक दृश्य। अब इसमें जो इतिहास जो ये दृश्य बना था उसके स्वयं के मन भी इसमें काफी हद तक जुड़ा हुआ, तो इसलिए बहुत सब्जेक्टिव बन जाता है। तो अगर मुझे अपने अतीत को मेरे मत के हिसाब से इंटरप्रेट करना है तो इतिहास वैसा बनेगा और मेरा जो एनिमिकल थॉट प्रोसेस रखने वाला, अगर मैं दक्षिण पंथ का हूँ तो जो मेरा वामपंथ इतिहासकार है जो कि विपरीत मत रखता है उसके दृष्टि से जो बना गया बनाया गया इतिहास होगा वो बहुत विपरीत होगा। तो विडंबना ये है, अतीत तो एक है हमारा लेकिन मत के अंतर्गत दो भिन्न चित्र उत्पन्न हो जाते हैं हमारे अतीत के और परिणाम स्वरूप इसे जूझना पड़ता है इससे आप जैसे विद्यार्थियों को और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को। अतीत तो एक है लेकिन किस तरह से उसको देखा गया है उसके कारण आ जाता है। तो अनेकत भवान डिटेल में उनके पेपर के बारे में नहीं जाऊंगा लेकिन अभी मैं आपको अगले कुछ 10-20 मिनटों में मैं आपको केवल प्रमाण दूंगा और आपको मैं अपना निर्णय तो नहीं दूंगा, आप वो निर्णय आप पे छोड़ूंगा कि इन प्रमाणों को देख करके क्या आपको लगता है कि इतिहास में लिखे गए इन वाक्यों का सच्चाई या सत्य से कोई संबंध है क्या नहीं। ये चित्र तो सभी लोगों ने देखा होगा इतिहास के, चाहे वो राज्य का किताब हो या केंद्र का किताब हो, इसको किस तरह से हमारे सामने रखा जाता है, बोले जाता है ये केवल इम्पोर्टेंट मैन, मतलब प्रीस्टिंग, ये शब्द यूज होता है अंग्रेजी की किताबों में। अब प्रीस्टिंग का अगर आप अनुवाद करेंगे हिंदी में तो क्या होगा उसका कोई बता पाएगा? प्रीस्टली किंग, तो इसका अनुवाद प्रयास कीजिए हिंदी में, किंग का तो राजा हो गया प्रीस्ट का क्या होगा? राजकुमार पुजारी, राजकुमार पुजारी थोड़ा संबंधित है, पुजारी राजा या पंडित राजा, अब ये हिंदी में लिख करके आ गया तो यहाँ पे तुरंत वो कास्ट जुड़ जाता है। इसको हटाने के लिए जनमानस के बीच में वो कास्ट का वो थॉट प्रोसेस न आ जाए इसीलिए इसको केवल एक मुख्य आदमी मुख्य इंसान ऐसा बताया गया है अपने इतिहास के टेक्स्ट बुक्स में। हालांकि जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो तो मानते हैं कि ये एक पंडित था और संभवतः ये राजा भी था या फिर ये राजा था और पंडित था या पंडित था और राजा था, लेकिन हमारे इतिहासकारों को वो एक शब्द से परहेज है। और ये एक योग मुद्रा में था या इसकी वेशभूषा जो कि हमारे वैदिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जो कि एक इतिहासकार का मेन काम है इसको अपने अगले आने वाले पीढ़ियों को बताने का, उस सबको कैसे छुपाया जाता है
छुपाया जा सकता है, इसका प्रयास करोगे आज तक। अभी भी अगर आप ऑनलाइन भी खोल के देखेंगे तो ये जो मैं कह रहा हूँ वर्तमान काल के टेक्स्टबुक के बारे में मैं कह रहा हूँ। अब आते हैं बात 100 बरस। आप में से कोई मुझे बताइए 100 बरस की अवधारणा आपके अंदर क्या है? 100 बरस को आप क्या समझते हैं या फिर आपको क्या पढ़ाया गया? कोई छात्र या छात्रा निसंकोच बोलिए, कोई भी यहाँ पे सही है गलत की बात नहीं है। 100 बरस की अवधारणा क्या है बोलिए? चर्चा किया गया उसके ऊपर सामान्य स्तर पे भी और विशेषज्ञों के स्तर पे भी आज तक 100 बरस क्या है ये जान नहीं पाए, विशेषज्ञ भी नहीं जान पाए हैं और सामान्य में भी जो चर्चा करता है उस समय निष्कर्ष नहीं पहुंचा। फिर भी जनमानस में ये अवधारणा फैलाई गई है कि 100 बरस अर्थात मधुपान को ही 100 बरस का पर्याय बताया गया। मधुपान अल्कोहलिक वाइन बियर, इससे क्या मानसिकता बढ़ती है? देखो तुम्हारे हिंदू के जो अतीत थे तो पियर करते पी करके मस्त रहे, ये एक अवधारणा बनाई जाए। तो उसको किस दर्जे किस स्तर पर किया गया है इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट था उनके लिए? 100 वर्ष। 100 वर्ष क्या था? मधुमेह। तो पीना कितना इम्पोर्टेंट था देखो तुम्हारे पूर्वजों में, तो ये बात बताई जा रही है यहाँ से। अब बात आती है इसी किताब में लिखते हैं कि जो संस्कृत वेदों में थी वो बिल्कुल अलग थी, उसके बाद जो वेद के बाद जो आई संस्कृत वो बिल्कुल अलग है। पाणिनी, अगर उसका नाम आपने सुना होगा पाणिनी, वो खुद कहते हैं उनके पूर्व का जो संस्कृत का उपयोग था वो भिन्न था और उनके पश्चात और उनके वर्तमान काल का जो संस्कृत था वो वेदों से भिन्न था, पर आज जो हम संस्कृत से परिचित हैं वो प्रायः पाणिनी के पश्चात काल वाले संस्कृत से ही परिचित हैं। तो ये आलम है अगर संस्कृत का पाणिनी के काल से, जो खुद अपने टेक्स्टबुक के राइटर्स भी कहते हैं, तो एक संशय उत्पन्न ये होता है कि ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने वैदिक संस्कृत को कैसे जाना अथवा उसका अर्थ कैसे निकाला? ये तो अगर आप एक संस्कृत विशेषज्ञ आपके अगर विश्वविद्यालय में भी हैं उनको कोई वेद का मंत्र दे दीजिए तो वो उसका अर्थ नहीं निकाल पाए। कारण यह है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आज का जो संस्कृत तो बिल्कुल भिन्न है, वो अभी नहीं पाणिनी खुद कहता है 2000 साल पहले। ये अगर आलम है संस्कृत का तो ये आधुनिक इतिहास का जिनका संस्कृत ज्ञान भले ही जितना हो वो वैदिक प्रमाणों को कैसे समझ सकर कैसे खुद समझे हैं और उसको कैसे उन्होंने किताब में परिवर्तित किया, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। ये था कैसे हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करना, और वही देखिए उसी किताब में 9वें चैप्टर में और 10वें चैप्टर में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, करना चाहिए क्योंकि भारत जो है चिरादि काल से विभिन्न मतों को संग्रहित करते हुए ही आगे बढ़ा है, तो इसका स्वागत। लेकिन मेरा यहाँ पे निजी मत यह है कि जब आप अन्य मतों को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं कि वो उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। वही बात जब हिंदू की आती है तो आप जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको भर देते हो पहले के 7 चैप्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू में सब कुछ सही है बाकी अन्य मतों में सब कुछ गलत है, मेरा ये मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब आप हिंदू को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही बता दें, आप पूरी किताब में खोल लीजिए एक भी वाक्य आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे अपने हिंदू के धरोहर को उन्होंने प्रशंसनीय वाक्य में उतारा। आप अपने ही अतीत से आप निर्लज्ज लज्जा वाले
दृष्टि से देखने के लिए आपको तत्पर कर देगा। मेरे पूर्वज कैसे थे, वो स्त्रियों को इतना नीचा मानते थे, अच्छा वो दलितों को इतना कुचलते थे, आय है मेरे पूर्वजों पर, ये भावना आ जाएगी। बच्चा ये क्लास सिक्स का मैं बोल रहा हूँ, 10-11 साल का बच्चा है जो इम्प्रेशनेबल एज है जिसका, वो अगर पढ़ता है ऐसा तो उसको संभवतः अपने ही पूर्वजों पर एक खाली एक हीन दृष्टि आ जाएगी। वही जब वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को इसी किताब के माध्यम से पढ़ेगा, अरे वाह तो बहुत ही अच्छा है, तो आप समझ रहे हैं कि किस चीज के लिए पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। आते हैं क्लास 7 पर। पहले चैप्टर में ही भारत का एक वर्णन आता है, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये किताब में कहीं पे भी नहीं है। वो ये किताब से मैंने ये वाक्य उठाया कि एक तरफ हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बियर बाय मिन्हाजी सिराज क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा इन द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। आप लोगों से सवाल, हिंदुस्तान ये शब्द किस भाषा से आया है या फिर किस सभ्यता से आया है? जोर से बोलिए। मुगल काल तो 15वीं शताब्दी है, उससे पहले थोड़ा जाएंगे तो ये मंगोल पर्शियंस और अरबिक वर्ड हिंदुस्तान। तो क्या हमारे भारत में ऐसा कोई भी रचना या ग्रंथ नहीं है जहाँ पे इस भारत भूमि की परिभाषा के रूप में, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जहाँ पे भारत को संबोधित करते हुए या भारत को वर्णित करते हुए कोई रचना किसी रचनाकार ने रचा हो? आपके संज्ञान में कुछ आता है क्या उत्तर? मेरे मैडम आप बोलिए। मेरे उद्बोधन के प्रथम आप बोलिए सर। विष्णु पुराण, ठीक है। और कोई उद्बोधन चाहिए बोलिए मैडम। सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। राष्ट्रगी, राष्ट्रगी का अगर हम काल गणना करेंगे तो 10वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी का है, तो उससे पहले विष्णु पुराण का तो कोई काल गणना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वेदों में भी देखेंगे तो वो भारत का एक टुकड़ा जो हिमालय उत्तर और समुद्र से घिरा हुआ है उसे भारत कहे, उसे भारत कहते हैं। ये जब परिभाषा हमारे यहाँ पे हजारों सालों से चलता आ रहा है, इन किताब के लेखकों को ऐसी क्या तरह से मानसिकता कह लीजिए या फिर ऐसी क्या बंधन था कि वो केवल विराज की सीरज का ही परिभाषा और हिंदुस्तान लेकर के हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे? आप वेदों को छोड़िए, पुराणों को छोड़िए, कालिदास का ही ले लीजिए, उसके बाद आता है राजतरंगिणी। कालिदास उससे कम से कम 600 साल पहले था। कालिदास खुद अपने मेघदूत ले लीजिए, उसके पूरी भारत का रचना करता है, कालिदास ने एक काल्पनिक व्यक्ति था, उसकी रचना है भले ही काल्पनिक हो लेकिन उसने तो जो वो देखा, जिस ज्योग्राफी को देखा उसने उसका वर्णन किया था। इन देखों को ऐसी क्या मजबूरियां थी कि वो केवल मुस्लिम क्रॉनिकलर्स जो लेखपाल थे उन्हीं द्वारा उन्हीं के द्वारा दिए गए वाक्य को लेकर के इसको करते हैं? सोचिए। फिर बात आती है पर्शियन की, तो आप बार बार मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन प्रयास किया जाता है कि आपको ये समझाने के लिए कि देखो हमारे यहाँ पुराने जमाने में कुछ तो था नहीं, जो भी था सब कुछ गलत था, लड़कियों को वो मारते थे पीटते थे, उनको बराबर का दर्जा नहीं देते थे, या फिर कोई चार वर्ण
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सब लोग चलते थे, बस यही सब कुछ चलते था। और कुछ वैज्ञानिक क्षेत्र का भूल ही जाता, जो कुछ भी आपके यहाँ वैज्ञानिक का कुछ भी मिलता है तो बाहर आकांक्षाओं का ही देन है। सभी भी आप लोग टीवी पे मिल जाएंगे ना कि अगर मुगल नहीं आते तो हमें बिरयानी नहीं मिलती, अगर मुगल नहीं आए तो हमें कबाब नहीं मिलता। तो उसी तरह से अगर आक्रांता नहीं आते तो तुम्हें कुछ भी वैज्ञानिक तकनीकी की जो ये है वो सब कुछ हमारे यहाँ पता नहीं, तुम्हें भी तो औकात नहीं मिलती किसे करने की। ये जो तुम लोगों के पास जो किसी कारण आर्कियोलॉजिकल उत्खनन में मिल गया है वो तुम्हारा नहीं है, बाहर वालों का देन है। ये बार बार समझ, ये चीज को बार बार रेखांकित करता है हमारा हिस्ट्री का विकास। पश्चिम की के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आधुनिक रिसर्च पेपर्स के लिए कहता है कि हमारे भारत में भी ये पाया गया था, लेकिन हमारी किताब हिस्ट्री किताब नहीं कहता। शोध पत्र केवल कुछ ही वर्ग के लोग पढ़ते हैं जो उस शोध क्रिया में लगे हुए हो, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है वो सामान्य जनमानस तक पहुँचता है। तो अपने ही धरोहर के बारे में जो अच्छी चीजें हैं उसको अगर आप नहीं बताएंगे, संभवतः वो हिंदू था, हिंदू अमीर था, अब तो उसे पर भेज है, तो आप अपने अपने आप को सुधारिए, उसके माध्यम से पूरे भारत के जनमानस की सोच को आप क्यों बिगाड़ते हैं, ये मेरा प्रश्न चिन्ह। भाषा भाषा तो ये तो और भी हास्यास्पद वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे ये केवल प्रमाण लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का क्या कहना है, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारा समुद्री, तेलंगानी। तो अमीर खुसरो ने जो लिखा होगा उसने लिखा, ठीक है, अमीर खुसरो रहा होगा अपने अपने काल का एक बुद्धिजीवी रहा होगा, उस पर मेरा कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आप केवल अमीर खुसरो की ही बातें को लेकर के एक किताब रचने जा रहे हो, वो कितना सही है, क्योंकि अमीर खुसरो से पहले हमारे पास कितने प्रमाण मिलते हैं। हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है कि कोस एक कोस के बाद भाषा रंग और खान पान बदल जाता है, लेकिन अमीर खुसरो क्या पूरा भारत देख पाया होगा। लोगों को ये मानने में बहुत ही कठिनाई होती है कि एक जमाने में हमारे यहाँ पे संस्कृत भी एक सामान्य भाषा थी, ये इनको मानने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अगर मान लेते हैं तो फिर संस्कृत का सर्वोपरि स्तर उनको प्रदान करना पड़ेगा, जो कि इनके मत के विपरीत, उसके लिए कैसे वो पृष्ठभूमि रचते हैं उसका एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन हमारा प्रमाण क्या कहता है तो मैं पढ़ना चाहूंगा। कस्य मानां भुजां जातो वर्णो विकटकल्मषः, यस्य सोदरतां प्राप्तं भगीरथः तपःफलः, तत्र रेचलवंशाभि शरद्राता सुधाकरः कदानिधि। मैं इसको संक्षेप में कहना चाहता हूँ, संस्कृत को अगर उन्होंने सर्वोपरि स्तर दे दिया तो संस्कृत क्या है, प्रायः आज केवल एक वर्ण तक वो संकुचित रह गया है, ऐसा एक मान्यता फैलाई गई। संस्कृत का अधिकार या आधिपत्य केवल ब्राह्मणों का था और उन्होंने इसको किसी दूसरों से नहीं बांटा, ज्ञान को संस्कृत में रख करके उसको एक तरह से ताला मार करके चाबी अपने पास रख दिया। तो ये एक मत फैलाया गया है पिछले 100-150 साल से। ये आपको मैंने एक श्लोक पढ़ाया जो कि ग्रंथ के शुरुआत में आता है, प्रारंभ में आता है, और ये ग्रंथ है संस्कृत का ही ग्रंथ है। आप क्या अनुमान लगा पाएंगे कि ये किस वर्ण या जाति के मानव द्वारा रचित ये ग्रंथ रहा होगा, उसका भी उत्तर वो लेकर खुद देता है। अगर आपको थोड़ी बहुत अपनी अतीत की जानकारी अभी है, कस्य पादां भुजां जातो, जिसके पैर से मैं आया हूँ मैं उस वर्ण का सदस्य हूँ। यहाँ पे शुद्ध का उल्लेख आता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में बताया जाता है कि सर से ये लिखे, गाँव से ये लिखे, जानवर से ये लिखे और पैरों से ये लिखे। अब इसका जो हमारे मार्क्सवादी इतिहासकार है बिल्कुल उसका अलग इंटरप्रिटेशन दे दिया कि सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसलिए वो सबसे ऊपर है और दलित पैर है तो इसलिए उसको कुछ ला सकता है। बिना पैर के क्या हम अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे।
वो भी अभिन्न अंग है अपने ही शरीर का। ये शूद्र है और वो राजा भी है। तत्र रेचल वंशांति, रेचला नाम का एक क्लैन था जो आज के तेलंगाना राज्य है, जो वरंगल नाइटी वरंगल भी जानते हैं, तो उसके वंशज के थे ये राजा। और ये अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं शुक्र कुल का शुक्र वर्ण का हूँ और मैं राजा हूँ और मैं इस ग्रंथ का रचनाकार हूँ। अब कहिए कि क्या संस्कृत केवल एक जाति विशेष तक वो संकुचित रह के रही थी इतिहास में? केवल एक उदाहरण दिया है मैंने, आप ये कह सकते कि एक अखबार रहा होगा, आपने तो केवल एक उदाहरण दे करके पूरे बात जनरलाइज कर रहे हैं, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे इस पर, क्योंकि समय का भी किसने में एक दे रहा हूँ। उससे पहले ये इस राजा का काल था लगभग 16वीं शताब्दी का, उससे पहले जाएंगे राजा भोज का, क्योंकि उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलित है। उनके द्वारा भी कहे स्त्री नाम जन्म भाषा का देव, जहां पे स्त्री भी अपनी जन्म भाषा को गर्भ से संस्कृत बोलती थी, वैसे राज्य के राजा को मैं नमन करता हूँ, इस श्लोक का वो अर्थ है। और ये कब रचा गया था? 10वीं शताब्दी, आज से 1000 साल पहले। 1000 साल पहले लोग मान्यता नहीं थी कि संस्कृत पूरे राज्य में पैदा हुआ है, तो कोई ऐसा रचने का क्षमता रख पाएगा? उससे भी अगर हम पहले जाते हैं, ठीक है, श्री सहसान कस्य केन संस्कृत बालिनः, ये जाते हैं उससे भी पहले लगभग 600 शताब्दी में, ये रचनाकार पूछता है ऐसा कौन है इस राजा के राज्य में जो संस्कृत नहीं बोल सकता है? केवल एक विशेष समुदाय विशेष का लिए पर यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, अगर ये पूरे भारत में ऐसा फैला हुआ नहीं था ये भाषा का ज्ञान, तो क्या हमारे यहाँ पे इतनी सारी रचनाएं रची गई होंगी संस्कृत में? इसके आपको सोचने का विवेश करना चाहता हूँ। उसके बाद आते धर्मपाल। धर्मपाल का नाम सभी लोगों ने संभवतः सुना होगा, वो इतिहासकार अभी तो नहीं थे, लेकिन वो एक तरह से आर्काइवलिस्ट, आर्काइवल का नाम मुझे हिंदी में सटीक रूप से मालूम नहीं है, आर्काइवल का मतलब ये कि जो भी राजपत्र है किसी भी राज्यकाल के अंतर्गत, उस राजपत्र का अध्ययन करना, उससे क्या लिखा है उसको किसी दूसरे लिपि में उसका अंकन करना। उसमें ये बताते हैं कि हमारे भारत में मुख्यतः 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में किस किस वर्णों के बच्चे पढ़ते थे, कितने ब्राह्मण, आपको फॉन्ट साइज नहीं दिखता होगा, इसमें ये ब्राह्मण्स है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है और ये अदर्स है और ये मुस्लिम भी। उन्होंने ये धर्मपाल जी द्वारा दिया हुआ अंक नहीं है, ये तब के जो अंग्रेजी अफसर थे उनके द्वारा राजपत्र है, उसी को धर्मपाल पुनः प्रकाशित करते हैं। जब सभी वर्ग के छात्र छात्राएं पढ़ाई करती थी, संस्कृत भी पढ़ाया जाता था, तो कैसे बोल सकते हैं संस्कृत केवल एक जाति विशेष तक वो संकुचित रह गया था? ये मेरा आखिरी स्लाइड रहेगा। पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि ये कॉलेज भी महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास देखते हैं। और एक और बात से मुझे ये प्रस्तुत करते हुए गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये गोरखपुर के ही एक इतिहासकार थे डॉक्टर आरपी सिंह, जिनकी किताब से मैंने ये प्रमाण उठाया है। और देखिए हमारे एनसीईआरटी की किताब में ये लिखा गया है, द बेस्ट नोन चाहमाना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड बिटवीन 1168-1192 तक। वो डिफीटेड एन अफगान रूलर ने सुल्तान मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच के लड़ाई की। तो इससे क्या बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने घोरी से युद्ध किया और दूसरे युद्ध में वो पराजित हो गए।
तो कुल कितने युद्ध लड़े गए थे? इस किताब के हिसाब से दो। अभी इतिहासकार क्या बोलते हैं देखिए, पृथ्वीराज रासो, ये हिंदू इतिहासकार द्वारा एक किताब है जिसमें 21 युद्धों का वर्णन है, ठीक है। तो आधुनिक इतिहासकार इसको उतना प्रमाण के रूप में नहीं मानते, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। एक जैन इतिहासकार है, इसका नाम है अम्बीर महाकाव्य, जिसमें 9 युद्धों का वर्णन आता है, जिसको आधुनिक इतिहासकारों ने माना है कि ये तथ्यात्मक है और इसको प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है। उसी प्रकार पृथ्वीराज प्रबल, उसमें भी 9 युद्धों का वर्णन आता है। पृथ्वीराज कौशल, 21 युद्धों का वर्णन आता है, और इसको इतिहासकारों ने नकारा नहीं है। सुरचर चरित्र, 21 युद्धों का वर्णन आता है। प्रबंध चिंतामणि, 23। अब आते हैं मुस्लिम इतिहासकारों का या लेखपालों का, जमीयुल हकीयत, इसमें केवल 1 युद्ध का वर्णन आता है, और तजुल्मा असीर, 1 युद्ध का वर्णन आता है। तबाकत की निशानी, 2 युद्धों का वर्णन आता है, और एक फरिश्ता तरह लिखा हुआ बुक, उसमें 2 युद्धों का वर्णन आता है। आप इसमें एक पैटर्न देख सकते हैं, अगर आप 21 को नहीं मान सकते, 23 को नहीं मान सकते, कम से कम 9 को तो मान सकते हैं। वो एक जाति का अलग, उसमें हिंदू और जैन का दिखता है, और मुस्लिम का क्या आता है, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। और हमारा टेक्स्ट बुक किससे मैच करता है? मुस्लिम लेखपाल। अब लेखपालों की क्या मजबूरियां रही होंगी, समझ सकते हैं आप? अगर मैं एक मुस्लिम लेखपाल हूँ, मेरे मुस्लिम आका जो है, मैं ये लोगों की मेरे आका 8 बार पराजित हुए, तो अगले बार लिखने के लिए ना तो मेरा हाथ रहेगा, ना मेरा पूरा शरीर ही रहेगा, तो मैं हार दिया जाऊंगा। तो मेरे, अगर मैं मुस्लिम लेखपाल हूँ, तो मेरे अंदर ये मजबूरियां हैं, अगर मुझे अपने आप को जीवित रखना है और मेरा परिवार है, तो मैं जीवित, मुझे जीवित रहना है, तो इसलिए मैं अपने आका के पराजय, उनके पराजय न होने का वर्णन मैं कहीं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो आधुनिक किताब के, जो हमारे एनसीईआरटी किताब के जो लेखक हैं, उनकी क्या मजबूरियां है? उनके तो कोई मुस्लिम आका नहीं है, तो क्यों वो इतिहास के तथ्यों को निष्पक्ष रूप में हमारे आधुनिक पीढ़ी के अंतर्गत नहीं रख रहे? इससे मैं एक और मत को बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ या मुस्लिमों के हिंदुओं के खिलाफ भिड़वाने का यहाँ पे काम नहीं कर रहा। जो आप तथ्य है उसको आप प्रस्तुत कीजिए बच्चों के सामने, इतिहास के। आज भी विश्व युद्ध 2 के बाद जर्मनी अगर आप जाएंगे, तो वहां पे अगर कोई भी गप्पे मारते हुए भी किसी ने यहूदियों पे हुए अत्याचारों को नकारा, गप्पे मारते हुए भी, तो यकीनन उनको वो दंड दिया जाएगा उनके सरकार द्वारा, आज भी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन उसकी बहुत ही विपरीत रूप से किताबों में भी हुए घटनाओं को तरह से छुपाया है, ठीक। और भी इसके पॉइंट्स थे, लेकिन मैं उसी दास पृथ्वीराज चौहान के पॉइंट से ही मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। और आप पर ये प्रश्न चिन्ह छोड़ करके जा रहा हूँ कि हमारे आधुनिक इतिहास एनसीईआरटी इतिहास का लेखकों का उद्देश्य क्या है, और यही किताब अभी भी पढ़ाया जा रहा है। आपने भी स्कूल में एनसीईआरटी से पढ़े होंगे, तो आपने यही पढ़ा होगा। अभी आप समझिए कि इनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि ये शिक्षक दिवस है और शुरुआत राधाकृष्णन का भी था, तो ये सेंटेंस राधाकृष्णन का ही है। संभवतः जब हमारा देश 1947 में उसको जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, 1950 में वो गणराज्य बना, तो बनते ही एक जिस तरह से NEP 2020 बना था, उस समय पे भी स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का कमेटी बना था, जिसके मुख्य सदस्य थे, चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उनका कहना क्या था, ध्यान से पढ़िए इसको। नो नेशन इज हेल्दी दैट पार्ट्स कंपनी विद इट्स ट्रेडिशन,
कोई भी ऐसा राज्य संपन्न नहीं हो पाता अगर वो अपने धरोहर या अतीत से कट जाता है। Social development is an organic process. The continued influence of the past on the present cannot be ignored. अतीत का प्रभाव वर्तमान में कभी नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम ये मान लें कि अतीत में सब कुछ ठीक था तो एक तरह से वो खुशफहमी में हम जिए, लेकिन अतीत का प्रभाव वर्तमान में हमेशा रहेगा। अंत में we should know the lives of the heroes who express the spirit of our civilization. हमारी सभ्यता की जो नींव है, सभ्यता की जो क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट को, जो जीव है, मुख्य प्राण है, उनके प्रति जो हीरोज थे हमारे अतीत के, उनको अगर हम भूलते हैं, जैसे हमने कालिदास को भूल दिया, उनको भले ही हम विज्ञान के छात्र रहे होंगे या फिर हम किसी अन्य विषय के छात्र के रहे होंगे, कालिदास हमारा धरोहर का है, हम उसको भूल, हमें किसी भी हालत में उसको भूलना नहीं चाहिए। So we should know the lives of the heroes who express the spirit of our civilization. और जिस संस्थान में आप हैं इसमें श्रद्धा और यहाँ ऐसे यही वाक्यों द्वारा रचित ये संस्थान है और ये मुझे उसे बिना संशय के मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इस संस्थान से उत्तीर्ण होंगे तो मेरी आशा है कि जो सपना राधा कृष्ण कम से कम देख रहे थे कि हमारे अतीत के हीरोज को नहीं भूल देगा, वो आप उनकी सपनाओं को साकार करें। इसी के साथ अवसर प्रदान करने के लिए और अधिक समय देने के लिए क्षमा चाहता हूँ और अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत निश्चित रूप से आपका उद्बोधन हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों और हम सभी के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान करेगा और हम अपने इतिहास की महत्ता को समझ करके अपने इतिहास को और करीब से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में अब मैं महाविद्यालय के उप प्राचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि वह अपना मुख्य उद्बोधन प्रस्तुत करें। कार्यक्रम मुख्य अतिथि मंच पर आश्री डॉक्टर अभिजीत रामानंदन जी आप दोस्तों से बधाई हुए हैं। कार्यक्रम की संयोजिका श्री नवेदिका सिंह जी, संचालन करने श्री गोस्वामीता जी, सब आचार्य उपस्थित शिक्षक और प्रिय विद्यार्थियों, पूर्वांचल में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाले ब्रह्मलीन मान विजयनाथ जी महाराज और हमारे महाविद्यालय की स्थापना जिनके कालिक में संपन्न हुआ राष्ट्रसंत महान रविन्द्रनाथ जी महाराज के शिक्षकों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात संक्षिप्त रूप में रखने का प्रयास करता हूँ। हम सभी के गुरुजन वृंद को मैं सशस्त्र नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में बताए रसायन विज्ञान के आचार्य जिनको आपने सुना, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि एक इतिहास के मर्मज्ञ को हम नहीं सुन रहे हैं, हमारी अतीत की तमाम विसंगतियों को जो हमारे पास में मौजूद है उसको आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक सहज और बोधगम्य तरीके से हमारे सामने रखा। हम सभी निश्चित तौर पर उससे लाभान्वित होंगे और अपने इतिहास को एक नए तरीके से जानने समझने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। आपने एक और बात बहुत ही मुख्यता से निर्माण किया कि हम इस भाषा के बल मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं करते हैं। आज गौरवान्वित होते हैं चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो, हमारी जो सामान्यता भाषा नहीं रही, हमारी जो मान भाषा रही है वो संस्कृत रही है और संस्कृत को ही
लेकर हमारे मनीषियों ने हमारे ज्ञान विज्ञान का अतीत से लेकर और मध्य काल तक प्रचार प्रसार किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद से लेकर और कल्लड़ बिल्लड़ पाणी तो सभी लोगों ने संस्कृत में ही अपनी पुस्तकों का जो है लेखन कार्य किया। हमको ज्ञान तो सभी को ज्ञान के उस रास्ते पर जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो हम सभी को जो है उसको भी देखना चाहिए, संस्कृत को भी समझना चाहिए और आगे उस पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग एक चीज और जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं उन सभी लोगों को पता है कि बाहर से जितने लोग भी भारत में आए हुए थे, सभी लोगों ने सबसे पहला काम किया है कि हमारे संस्कृत में ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद किया है। यहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लोग सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो गीता है, महाभारत का एक पुरुष, उसका भी अनुवाद किन भाषाओं में हो चुका है, वह भी प्रारंभिक दौर में संस्कृत में ही की गई है। इसलिए हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृत, अपने इतिहास को लेकर सोचे समझे और गौरवान्वित हो और उसको अपने में आत्मसात करने का प्रयास करें और उसी के साथ नए भविष्य, नए व्यक्तित्व और समाज के निर्माण में अपनी मानवीय भूमिका को निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। सबके अध्यक्ष बोधन के बाद अब मैं कार्यक्रम की संयोजक व्यय विभाग की विभाग अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा सिंह से आग्रह करती हूँ कि वो आभार जताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर के रामानाथन सर के ज्ञानवर्धन उद्बोधन के लिए, अध्यक्ष उद्बोधन के लिए डॉक्टर विजय चौधरी सर को, संचालन के लिए पुष्पा खान को और हमारे समक्ष बैठे सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों को। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शिक्षण साधारण नहीं होता है, उसकी गुण में सृजन एवं प्रलय दोनों बनते हैं। ऐसे ही शिक्षकों के लिए है। सर ने जिन विषयों पर अभी हमारा मार्गदर्शन किया जिससे हम बहुत ही अनभिज्ञ थे, ऐसे ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए सर का बहुत बहुत आभार। सर हमेशा से आते रहे हैं हमारे विद्यालय में, इससे पूर्व भी हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। इस आशा के साथ महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Yeah.
जय।